से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा ऋषियों मुनियों देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं। हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे, पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली, जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया, भगत जी एक रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ, तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ, हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुँचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम करनैल दास है जी। करनैल दास जी कहाँ से आए हो? मैं डेरा बसी तहसील पिंड मलाला से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मेरा जो जन्म है सिख परिवार में ही हुआ जी। मेरे जो ग्रैंड फादर है वो भी गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते थे, उसके बाद जो मेरे फादर साहब है वो भी गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते थे, और मैंने भी गुरु ग्रंथ साहब के काफ़ी पाठ किए हैं, और मैंने जो पंजा बाणिया का नितनेम वगैरह ये सारा मैंने 3-4 साल लगातार किया है। उसके बाद सर
मेरे को राधा स्वामी मत के बारे में पता चला कि पहले तो हमारे तो सिख मत में यही बोलते थे कि गुरु ग्रंथ साहब से अलावा किसी को गुरु नहीं मानना है। फिर मेरे को राधा स्वामी मत का ज्ञान मिला, उसमें पता चला कि जो गुरु है वो होना जरूरी है, संत मतलब जो जैसे संत रूप में जो गुरु होना जरूरी है। फिर मैंने राधा स्वामी मत का ज्ञान पढ़ा, उसके बाद मैंने 1986 में 9 अप्रैल 1986 में महाराज चरण सिंह से नामदान ब्यास जाके नामदान लिया जी। फिर मैंने वहाँ पे काफ़ी भक्ति की, मैंने 10 साल उनके लगातार सत्संग भी किए, स्टेजों के ऊपर बैठ के सत्संग किए, लोगों को समझाते थे कि ये जो ज्ञान है संत मत ये है जी। सर आपने जो बाबा चरण सिंह जी से नाम लिया था, उन्होंने आपको क्या भक्ति साधनाएँ बताई? उन्होंने जी हमारे को 5 नाम बताए थे जी, ज्योत नरंजन ओंकार अरंकार सोहंग सतनाम, ये 5 नाम की भक्ति बताते थे कि आपने 2.5 घंटे ये डेली इसका जो आपने बैठ के सिमरन करना, 1/2 घंटा आपने शब्द सुननी है और 2 घंटे आपने 5 नाम का जो सिमरन है ये करना है। सर आपको जो भक्ति साधनाएँ बताई गई, क्या इसका कोई शास्त्रों में प्रमाण है? इसका सर कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि ये तो हम जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं तो इन्होंने बताया कि 5 नाम काल के हैं, तुलसीदास की घट रामायण जो उसमें साफ लिखा कि 5 नाम काल के जानो। फिर कबीर साहब ने भी अपनी बाणी में लिखा है कि 5 शब्द की आशा में सर्व समूल गवाया, कि ये जो 5 नाम है काल के नाम है, ये कोई भक्ति नहीं है जी। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आया हूँ, मेरे को ज्ञान गंगा किताब पढ़ने को मिली है जी। ज्ञान गंगा किताब पढ़ के जब मैंने देखा, प्रमाण देखे, सभी कुछ मिलाया, देखा कि असली जो भक्ति है शास्त्रों के अनुसार ये भक्ति है, वो किताब पढ़ने के बाद मेरे को ज्ञान होया। और फिर मैंने 28 सितंबर 2014 को संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके बरवाला आश्रम में नामदान लिया जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से बाद सबसे पहले को हमारे को ये दृढ़ निश्चय हो गया कि जो जन्म मरण का चक्कर है, ये जो 84 लाख जन्मों के भुगतने के बाद इंसान का जन्म मिलता है, इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए ये जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति है, इसी से हम यहाँ से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरी बात, मेरे को ये सर एक्सीडेंट हो गया था, मैं ड्यूटी पे जा रहा था, ऐसे हुआ कि जब मेरा एक्सीडेंट होया जी, एक्सीडेंट होने के बाद मेरा मोटरसाइकिल पूरा टूट गया। उसके बाद जैसे ही मेरा एक्सीडेंट होया तो मैं 6-7 फुट ऊपर उठा दिया, ऐसे मतलब 6-7 फुट ऊपर गया हूँ। ऊपर होने के बाद मेरे को ऐसे लगा परमात्मा ने मेरे को ऐसे गोद में उठा के ऐसे सड़क के किनारे लगा दिए, ना मेरा कोई सिर लगा रोड के ऊपर। वहाँ के कम से कम 20-50 बंदे इकट्ठे हो गए, तो बोलते कि बंदे का ये मर जाएगा, बचेगा नहीं है। उसके बाद मेरे को गुरु महाराज जी ने ऐसे उठाया और साथ में ये थोड़ा सा फ्रैक्चर मेरा हड्डी लगा दिया, यहाँ फ्रैक्चर हो गया। फिर मेरे को बत्ती हॉस्पिटल चंडीगढ़ में मैंने आपके बच्चों को फ़ोन किया, वो चंडीगढ़ हॉस्पिटल में मेरे को लेके गए। रात को डॉक्टर ने सीटी स्कैन किया, डॉक्टर पहले बोलने लगा कि आपको ऑपरेशन होएगा। उसके बाद सुबह जब दूसरा डॉक्टर आया, उसने रिपोर्ट देखी, बोलता कि ऑपरेशन की कोई लोड़ नहीं, आप ऐसे करो बेल्ट लगा के रखो। फिर मैंने 2 महीने बेल्ट लगा के रखा। फिर मैंने प्राइवेट भी सिटी स्कैन दिखाया, प्राइवेट वाले भी यही बोलने लगे कि आपको कम से कम 99% तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। लेकिन गुरु महाराज की दया से वो मैंने बेल्ट लगाने से ही मेरी जो हड्डी है बिल्कुल सेट हो गई और मेरे को भी कोई तकलीफ नहीं है इस टाइम। उसके बाद सर मेरे को जो आर्थिक लाभ हुए, आर्थिक लाभ ये है कि जैसे ही मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं ड्यूटी करता था, मेरी प्राइवेट जॉब है सिक्योरिटी, गनमैन की सिक्योरिटी में ड्यूटी करता था मैं। सर 2 महीने घर में ही रहा हूँ, 1 महीना मेरे को वहाँ पे लगा हुआ था, सिर्फ मेरा ESI का कार्ड बना था। उसमें ESI में ये है कि जब तक आपके 240 दिन पूरे नहीं होते तो आपको ESI का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद भी मेरे को ESI का जो मैनेजर आया वहाँ जहाँ एक्सीडेंट होया, वो देखा कि आपका एक्सीडेंट कहाँ हुआ है, एक्सीडेंट रिपोर्ट बना के दी। हर एक्सीडेंट रिपोर्ट बनाने के बाद 3 महीने के बाद मेरे को 27,000 रुपये का चेक है जो ESI वाले ने काट के दिया। इसकी मेरे को कापी घर में पड़ी है, मैं आपको कापी की एंट्री भी दिखा सकता हूँ कि मेरे को 27,000 रुपये का चेक गवर्नमेंट के ESI की तरफ से मिला, जबकि 8 महीने से पहले ये बेनिफिट नहीं मिलता है जी। सबसे पहले ये मेरे को लाभ हुआ जी। उसके बाद दूसरा लाभ मेरे को ये हुआ कि मेरा बच्चा भी, मेरा लड़का है, उसने सिक्योरिटी में 6 महीने काम किया था जी। 6 महीने काम करने के बाद हमारा प्रोविडेंट फंड कटता है, 6 महीने में उसका 3,000 रुपये फंड कटा, 500 रुपये महीना कटता था फंड। उसके साथ ही दूसरा एक लड़का और लग रहा था, उसका भी 500 रुपये फंड कटता था। मेरे लड़के ने 6 महीने लगाए, दूसरा जो लड़का था उसने 1.5 साल उसे सिक्योरिटी में लगाया। जब हमने PF का फॉर्म भरा तो PF में जो मेरे लड़के का
पीएफ प्रोविडेंट फंड था वो 29,000 रुपये आया, जबकि 3,000 का डबल 6,000 आना चाहिए था, वो 29,000 रुपये आया। और जो लड़का 1.5 साल काम करा था उसका लड़के का 25,000 रुपये आया, ये भी मेरे पास प्रूफ है और एंट्री है कापी में सब। उसके बाद ये सारे अध्यात्मिक लाभ हुए हैं मेरे को, आर्थिक लाभ जो हुए हैं। सर, आप महाराज चरण सिंह जी के आश्रम में गए, वहाँ पर आपने 10-15 साल तक उनकी भक्ति की, फिर आप सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आए। सर, जहाँ से आप पहले जुड़े थे बाबा चरण सिंह जी महाराज से और सतलोक आश्रम बरवाला की व्यवस्था में आपको क्या भिन्नता नज़र आती है? इसमें सर ये भिन्नता है, जब हम राधा स्वामी डेरा ब्यास में जाते थे सबसे पहले तो वहाँ पे कि ये है कि जो लंगर है वो जो गरीब लोग हैं उनके लिए अलग अलग लंगर है, वहाँ पे जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए अलग कंटीनें बनी हुई है कि जिसके जिसके पास पैसा वो बढ़िया भोजन कर सकता है। जबकि संत महाराज गुरु महाराज रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में ये ऐसा नहीं है, वहाँ पर चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है सभी एक ही लाइन में बैठ के लंगर चखते हैं। दूसरी बात ये है कि जब हम महाराज चरण सिंह के दर्शनों के लिए जाते थे वहाँ पे जो VIP बंदे थे उनको कार्ड मिलता था, उनको उनके लिए अलग लाइन लगती थी और जो आम लोग हैं उनके लिए अलग लाइन लगती थी। जबकि गुरु महाराज संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ऐसा नहीं, वहाँ पे चाहे कोई अमीर आता है चाहे कोई VIP है सभी लाइन में लग के दर्शन करते हैं। सबसे बड़ी भिन्नता ये हमारे को नज़र आई है उसमें। जैसे हम ब्यास जाते थे वहाँ हमारे को बिस्तरा भी ले जाना पड़ता था, साबुन तेल भी ले जाना पड़ता था। जैसे ही हम गुरु महाराज के सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जाते थे वहाँ हमारे को बिस्तरा ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही साबुन तेल ले जाने की जरूरत पड़ी, वहाँ पर हरेक चीज़ जो फ्री ऑफ कास्ट आश्रम की तरफ से भक्तों को मिलती है। सर, आप पंजाब की धरती से बिलोंग करते हैं। सर, पंजाब की धरती को गुरुओं की भूमि भी कहा जाता है और गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणियों में गुरु की बहुत महिमा गाई है और आपने पहले राधा स्वामी पंथ के संत श्री चरण सिंह जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी थी, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए। सर, क्या आपको लगता नहीं कि गुरु बदल के आपने कोई पाप किया? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि कबीर साहब ने भी अपनी वाणी में लिखा है, जब तक गुरु मिले ना साचा चाहे करो 10 चाहे करो 50। वैसे भी हम दुनियादारी के तौर पे भी अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर एक डॉक्टर से हमारे को आराम नहीं मिलता है तो स्वभाव कह के हमारे को दूसरा डॉक्टर बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को वहाँ से आराम नहीं हो रहा उसी के ऊपर अरूढ़ रहेंगे तो ये तो समझदारी की बात नहीं। हर कोई बंदा सोचेगा कि अगर आपको यहाँ आराम नहीं आ रहा है तो आप दूसरे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ जहाँ से आपको आराम होता है। ऐसे ही सर ये अध्यात्मिक मार्ग है, जब हम वहाँ से हमारे को चरण सिंह से नामदान लिया कोई लाभ नहीं मिला और जैसे ही हमने गुरु महाराज का ज्ञान सुना और इनका उपदेश सुना उसके अनुसार फिर हमने भक्ति की, भक्ति के अनुसार हमारे को जो पहले 27 साल वहाँ पर जाते रहे कोई लाभ नहीं हुआ, अब हमारे को तकरीबन 1.5 साल का करीब हुआ, 2014 में हमारे को नामदान मिला था, 1.5 साल के करीब हमारे को परमात्मा ने दया करी है, घर में भी सुख शांति है। उसके बाद सर मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे ही मैं गुरु महाराज जी से नामदान लेके आया उसके कुछ दिन बाद ये कांड हो गया, उसके मेरी घरवाली ने TV में प्रचार देखा कि जो मीडिया दिखा रहा है ये सही है, उसके बाद मेरी घरवाली मेरे से बहुत नाराज़ होगी, उसने मेरे गुरु महाराज की फ़ोटो फाड़ दिया, मेरा जो नामदान का फार्म था वो भी फाड़ दिया, कम से कम 2 महीने मेरे घर में बहुत कलेश रहा और मेरे को जूना हराम कर दिया। आसपास के जो मेरे साथी थे राधा स्वामी थे वो भी आके मेरी घरवाली को भड़काते थे कि ये तो राधा स्वामी का सत्संग करता था, ये कैसे गुरु की शरण के पीछे लगे, देखो TV में क्या हो रहा वहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद फिर मैंने गुरु महाराज की प्रार्थना की कि महाराज मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप ये तुच्छ जीव हैं संसार के जीव हैं, इनको बुद्धि नहीं है, आप इनको समत दो। तो हौली हौली मेरे घर में 2 महीने में मेरे घर का जो माहौल था बिल्कुल शांत हो गया, अब मैं घर में 3 टाइम का अपना नित्यनेम भी करता हूँ, घरवाली वहाँ बैठ के हमारे गुरु महाराज जी का साधना चैनल पर सत्संग आता है, हालांकि उसने अभी नामदान नहीं लिया लेकिन अभी मेरे घर में कोई विरोधता नहीं और आराम से हम बैठ के मैं भक्ति करता हूँ और गुरु महाराज जी का सत्संग करता हूँ, घर का माहौल है बिल्कुल 2 महीने के बाद ही गुरु महाराज जी ने घर का माहौल जो है बिल्कुल शांत कर दिया, स्वच्छ कर दिया। अब मेरे बच्चे भी मेरा बड़ा आदर करते, नहीं तो सारा घर वाले विरोध करने लग गए थे, अब गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है और मैं गुरु महाराज जी का शुक्र गुजार हूँ कि उनकी दया से मैं उनकी भक्ति में लगा हूँ जी। सर, सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने श्रद्धालुओं को नाम दीक्षा देने से पहले कुछ नियम बताते हैं, जिनमें से पहला नियम है नशा त्यागना, लेकिन पंजाब जैसे राज्य में नशा के आदि लोग बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग नशा छोड़ना चाहते भी हैं लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो नशा नहीं छोड़ पाते हैं। लेकिन सर, एक तरफ देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों की संख्या इन दिनों यहाँ पर भी काफ़ी बढ़ी है,
तो सर संत रामपाल जी महाराज जी आखिर ऐसा क्या ज्ञान बताते हैं कि लोग नशे जैसी बुरी आदत को भी छोड़ देते हैं? सर ये ऐसे है कि जैसे आप गुरु महाराज जी जितने भी आज शास्त्र हैं, गुरु ग्रंथ साहब है, कुरान है, गीता है, चारों वेद हैं, इनके अनुसार शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं। और ये भक्ति बताते हैं कि अगर आपने कोई भी भक्ति करनी है तो इसमें कोई भी नशा आपको प्रयोग नहीं करेगा करना है, क्योंकि अगर हम नशा करेंगे तो नशा करते करते हम भक्ति नहीं कर सकते। तो गुरु महाराज की भक्ति ऐसी है, जैसे ही हम सिमरन करते हैं और ये नशे जो हैं ऑटोमेटिकली छूटने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गुरु महाराज का जो सिमरन है प्रथम नाम पान जो गुरु महाराज सिमरन देते हैं, उस सिमरन में इतनी जब अगर आप कमाई करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ऐसा ही अनुभव होने लग जाएगा कि नशे तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, हौली हौली ऑटोमेटिकली ये नशे छूटते जाएंगे। जबकि गवर्नमेंट ने जोर ला लिया, गवर्नमेंट अपने पैसे के जोर से नशा जो लोगों को छुड़ाना चाहती है, लेकिन ये अध्यात्मक मार्ग है। गुरु संत रामपाल जी महाराज अध्यात्मक मार्ग ऐसी भक्ति देते हैं कि ऑलरेडी जो नशा है जो ऑटोमेटिकली जी भी इसको छोड़ देता है। सर ऐसे है कि जैसे ही संत रामपाल जी महाराज भक्ति बताते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं उनकी जो वचन है वो वचन में शक्ति है। जैसे कि प्रधानमंत्री है वहाँ बैठे ही जो वचन बोल देता है उसकी वचन में शक्ति है, जो वचन बोलता है ऑटोमेटिकली वो काम दूसरे दिन ही शुरू हो जाता है। ऐसे ही जो परमात्मा के संत होते हैं, हम तो परमात्मा ही कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को, क्योंकि हमारे कोई परमात्मा ही नजर आते हैं, इंसान नहीं है ये, तो इंसान के रूप में परमात्मा ही आए हुए हैं। इनके वचन में शक्ति है और इनका जो वचन है अध्यात्मक वचन है, इनके वचन द्वारा ही जो भक्ति करेगा, जो इनसे सिमरन लेके भक्ति करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो नशे जो शुरू नशे जो छूटने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि वाणी में भी लिखा है सुरापान मद मांसाहारी गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटम है शीशम साक्षी साहेब है जगदीशम। इस करके गुरु महाराज ने भी कहा अमलहारी आत्मा करे ना हो व्यापार, ये भी लिखा कि गुरु ग्रंथ साहब में लिखा कि जो कोई भी नशा करता है जैसे बीड़ी सिगरेट तम्बाखू है, इस नशे को प्रयोग करेगा तो ये अगर असंख्य जन्म भी भक्ति करता रहे तब भी ये इंसान जो जीव है यहाँ से पार नहीं हो सकता। सर सर संत रामपाल जी महाराज जी अन्य संतों के बारे में निंदा करते हैं, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करते रहते हैं, सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो निंदा नहीं करते हैं। जैसे देखो एक टीचर है जो एक विद्यार्थी को पढ़ा रहा है, अगर वो टीचर अगर सिलेबस से बाहर की बात बताएगा हर जो उसके सिलेबस में नहीं है, अगर वो टीचर विद्यार्थी को सिलेबस के बाहर की बात बताएगा तो वो तो ठीक नहीं है। अगर कोई दूसरा टीचर उसको आगे कहेगा कि भाई ये तो सिलेबस के बीच ही नहीं है, इसके सिलेबस के अंदर ही नहीं है, तो आप इसको क्या पढ़ा रहे हो, यही ऐसे ही हो रहा है। क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज हैं ये शास्त्रों के अनुसार भक्ति देते हैं, हर जो प्रमाणिक भक्ति है इसमें हर चीज़ का प्रमाण है। जो संत रामपाल जी महाराज का एक भी वचन है बिना प्रमाण से नहीं है, बाकी जो संत हैं उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, वो शास्त्र अनुसार भक्ति देते हैं, वो किसी की निंदा नहीं करते। जैसे एक नकली नोट होता है एक असली नोट होता है, अगर कोई नकली नोट वाले को बोले कि ये नकली निंदा कर रहा है, ये नकली नोट की पहचान गलत बता रहा है, ऐसा नहीं है सर। ऐसा ये है कि नकली और असली की पहचान संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये जो भक्ति जो बाकी संत देते हैं ये डुप्लीकेट भक्ति है, इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। जो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति है प्रमाण भक्ति है और वेदों के अनुसार भक्ति है सर, शास्त्रों के अनुसार भक्ति है सर। सर गुरु ग्रंथ साहिब में एक प्रकरण आता है, एक वाणी आती है, सोए गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे, सर तो क्या संत रामपाल जी महाराज उन्हीं दो अक्षरों का भेद बताते हैं? हाँ जी बिल्कुल, वही दो अक्षरों का भेद बताते हैं, क्योंकि इसका प्रमाण हमने जन्म साखी में गुरु महाराज जी बताते, फिर मैंने जन्म साखी ले आके पढ़ी। जन्म साखी में जो समुंदर की साखी है उसमें जो जिस टाइम ये बाला राम मर्दाना ने गुरु नानक देव जी को बोला कि हमने जो लंका नहीं देखी हम लंका देखना चाहते हैं, तो गुरु नानक देव जी ने बोला कि चले आँखा मिटो हर यहाँ बैठो, जैसे उन्होंने आँखें बंद करी तो समुंदर के किनारे खड़े दिखाई दिए। हर जैसे ही समुंदर आगे आगे गुरु नानक देव जी चल रहे थे, पीछे पीछे बाला मर्दाना चल रहे थे। गुरु नानक देव जी जो गुरु महाराज जी हमारे को दो अक्षर का ये नाम बताते हैं वही नाम जो है गुरु नानक देव जी जप रहे थे, इसका जन्म साखी में प्रमाण है। उसके बाद दो बाले को बोला मर्दाना को बोला कि तू वहगुरु जप, जब मर्दाना ने देखा कि गुरु नानक देव जी तो दो अक्षर का नाम जप रहे हैं मेरे को वहगुरु बोलने के लिए बोल रहे, तो मर्दाना भी जो था वही जो गुरु नानक देव जी दो अक्षर का नाम जप रहे थे मर्दाना भी वही जपने लगा। जैसे ही मर्दाना जपने लगा तो मर्दाना डूबने लगा, तो गुरु नानक देव जी ने पीछे मुड़ के देखा कि मर्दाना तो गोते खा रहा,
तो गुरु नानक देव जी ने मर्दाना के बोला कि मर्दाना, गुरु जो कह रहा है उसके ऊपर आपको वचन कर अमल करना चाहिए। तो बहगुरु ही बोल। जैसे ही मर्दाना बहगुरु बोलने लगा तो उसके समुंदर के ऊपर ऐसे तुरने लगा जैसे जमीन के ऊपर तुरते हैं। ये सर जन्म साखी के बीच प्रमाण है। उसके बाद प्राण संगली जो गुरु नानक देव जी की बाणी है, उस प्राण संगली के बीच भी ये दो अक्षर का जो नाम है इसका प्रमाण है। यही दो अक्षर जो गुरु संत रामपाल जी महाराज ने हम सबको जपने के लिए बताए हैं। सर सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को सर मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज है, ये शास्त्रों के अनुकूल प्रमाणित भक्ति देते हैं। इसलिए मैं सभी को, मेरे जो भाई हैं बहन हैं, खास करके जो राधा स्वामी मत है उसमें जो अभी मेरे बहन भाई फंसे हुए हूँ, उनको मैं हाथ जोड़ के बेनती करना चाहता हूँ कि मैं 27 साल वहाँ पर गया हूँ, 27 साल वहाँ पर गया हूँ और 10 साल मैंने उनके सत्संग भी किए हैं। वहाँ पर सर कोई भक्ति नहीं है, काल की भक्ति है। मैं सभी अपने बहन भाई जो राधा स्वामी मत में अभी भी उनसे जुड़े हैं, उनसे हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि जैसे मैंने उस 27 साल अपनी ज़िंदगी की बर्बाद कर दी, अब वो मैं 27 साल को पछता रहा हूँ कि मेरे जो 27 साल थे बिल्कुल निसफल हो गए, उनका कोई मतलब नहीं था। जैसे भक्ति मैंने करी जैसे नहीं करी, क्योंकि वो भक्ति जो है काल की भक्ति है, काल के नाम है। उनका सभी का प्रमाण है, कबीर साहब की वाणी में प्रमाण है कि वो काल के नाम है। उसके बाद तुलसीदास हाथरस वाले हैं, उन्होंने भी साफ लिखा है कि पांचों नाम काल के जानू। इस करके मैं सभी को निम्रता सहित बेनती करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके गुरु महाराज संत रामपाल जी महाराज का चैनल पर सत्संग आता है, उस सत्संग को सुने और गुरु महाराज की ज्ञान गंगा किताब जो है उसको पढ़ो। वो ज्ञान गंगा किताब मंगवाने के लिए जैसे ही गुरु महाराज जी का सत्संग आता है उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पर फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, उन फ़ोन नंबरों से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जिसने भी भक्त ने गुरु महाराज जी का संत रामपाल जी का नामदान की दीक्षा प्राप्त करनी है, वो नामदान की दीक्षा के लिए भी उन्हीं नंबरों से आप संपर्क कर सकते हो। गुरु महाराज जी के आदेश के अनुसार पूरे ऑल इंडिया, मैं तो पूरे वर्ल्ड के बीच ही कहूँगा कि नामदान सत्र जो खोले जा चुके हैं, हर इस मौके का जल्दी से जल्दी फायदा उठा लो, नहीं तो ये समा हाथ से निकल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत्साई। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। तो यहां भगवान बताते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के घनक पड़गी कान। मारे सत्य गुरु दे रहे हे लारे सत नाम सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे हे लारे सत नाम सुमर मन में लारे। सत नाम सुमर मन मेलारे भगवान सुमर मन मेलारे। मारे साहेब दे रहे हे लारे सत नाम सुमर मन मेलारे। मारे सत्य गुरु दे रहे हे लारे सत्य नाम सुमर मन मेलारे। कोडी कोडी माया जोड़ी जोड़े भरा एक थैलारे। कोडी कोडी माया जोड़ी
जोड़ भरा एक थला रे, खाली आया खाली रे जागा, संग चलना देला रे। खाली आया खाली जागा, संग चलना देला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन मैं लारे। मारे सत्य गुरु दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन मैं ला। सत्य नाम सुमर मन मैं लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे हे लारे, सतनाम सुमर मन में लारे। मात पिता तेरा कुटुंब कभी हिला, यो कोई दिन का मेला रे। मात पिता तेरा कुटुंब कभी हिला, यो कोई दिन का मेला रे। यही मिलाया यही रे बिछोड़ जा, जागा हंस अकेला रे। यही मिलाया यही रे बिछोड़ जा, जागा हंस अकेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन मैं लारे, भगवान सुमर मन मैं लारे। सत्य नाम सुमर मन मैं लारे, भगवान सुमर मन मैं लारे। मारे साहेब दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन मैं लारे। एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। चेला तो चल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। इस पद का तुम भेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। इस पद का तुम भेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे।
अब क्या बताते हैं परमात्मा के कौडी कौडी माया जोड़ी और जोड़ भरा एक थैला रे। पहले पुराने समय में ऐसे थैले भर भर कर जमीन में गाड़ दिया करते धनी व्यक्ति, बैंक वैंक थे नहीं चोरों के डर से। तो परमात्मा कहते हैं फिर अचानक मृत्यु हो जाती है उनकी। अब वो दबाया दबाया धन जमीन में रह गया ना, बच्चों को बताते वो कि बच्चे खराब ना कर दें। फिर वो सर्प बन के आते हैं वहां पर, धक्के खाते फिर आ गए उसी स्थान पर अपने घर में, क्योंकि धन में आस्था रह जाए फिर वो सर्प बनता है और सर्प बन के फिर वो धन ने खोजता हुआ वहां घर में घूमता है और वो पड़ जाता है बच्चों की दृष्टि, फिर उसकी देही तोड़े उसने मारे लट्ठा के लिए। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्मा कि कौडी कौडी माया जोड़ी जोड़ भरा एक थैला रे, और खाली आया था तू और खाली ये जागा संग चले ना धेला रे। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में रोज बिरोजी वो जमके पड़े जंजीरम। रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार, एक ग्राम सोना भी रावण साथ नहीं ले गया जब जहां से जाने लगा, और सारी सोने की लंका बना रखी थी। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं तुम रावण जितने धनी भी ना हो सकते, कितने पैर पटक लियो, और वो कुछ ना लेके गया खाली हाथ गया यहाँ से सत भक्ति ना करके। हालांकि रावण भक्ति भी करता था पर तमोगुणी भगवान शिव की करता था। तो आन उपासना भी करना ना करना बराबर है, चाहे छोटा मोटा यहाँ से राह की राह तुम्हें मिल भी जाओ उससे उसका फायदा क्या हुआ। फिर बताते हैं मात पिता तेरा कुटुंब कबीला यो कोई दिन का मेला रे, सबको मालूम है इस बात का। अब बड़ी दुर्दांत घटना भी केदारनाथ के ऊपर उत्तराखंड के अंदर घटी है, ये हृदय से हट नहीं रही कि श्रद्धालु भगवान के लिए वहां गए थे, भगवान तो वहां था नहीं, मौत और गले में डाल ली। अब परिवार के परिवार नष्ट हो गए, आराम तो बैठे थे सभी, कोई कुछ कर रहा था कोई कुछ सोच रहा था, भविष्य की स्कीमें बना रहे थे, और एक सेकंड में कैसा नाश हो गया, खंडर बन गया वो जिसने पूजन गए थे उसका नामो निशान नहीं। तो वो भक्ति अगर सही हो तो कोई दिक्कत नहीं, मौत मात भी देखी जा, वो हमारे बस की बात नहीं, भगवान के लिए तो हम तड़फते ही रहेंगे। लेकिन ये कोई भी शास्त्र प्रमाणित साधना नहीं है कि ऐसे तीर्थों पर जाने से, ऐसे धामों के में वहाँ जाके पूजा करने, पूजा तो घर पे कर लो अगर कोई करनी है तो वो भी लाभ देगी, लेकिन ये जितने भी तीर्थ स्थल हैं ये पवित्र यादगारें तो हैं लेकिन वहाँ जाने से मोक्ष नहीं हो सकता, स्वप्ने में भी नहीं हो सकता। वो तो जैसे हमारी गीता और वेदों में वर्णित विधि है उसकी, उसके आधार से साधना करने से और फिर मर्यादा में रहने से मोक्ष होता है। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे, चेला तो चंचल है भाई और गुरु निरंतर खेला रे। अब जैसे एक यहाँ तो एक तो बताया तो गुरुजी होते हैं, गुरुजी परमात्मा से परिचित होते हैं और वो अपनी मर्यादा में रहकर भक्ति करते हैं, और चेला थोड़ा चंचल होता है पक्षी तो वो भी होता है, चेला इतना गहराई से ज्ञान ना समझकर वो भक्ति करता तो है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत उछल कूद उसमें रहती ही है, तो गुरु शिष्य में इतना अंतर रहता है। फिर बताया है कि फिर इसको क्लियर किया है कि इस पद का तुम भेद सुनो, कौन गुरु कौन चेला रे। यहाँ जो गुरु और चेले का जो वर्णन है उसके विषय में बताया है कि शब्द गुरु और चित्त चेला रे, ये मन, इसका जो मन का गुरु फिर बनाना पड़ता है इसको, जो मंत्र गुरु जी से प्राप्त है उसको शब्द कहते हैं,
जो गुरु जी से मंत्र मिल गया तो इस मन की चंचलता समाप्त करने के लिए तरीका बताया है कि शब्द गुरु चित चेला रे। अब कैसे, इस मन की आदत है अटपट सोचन की, इधर उधर धक्के खाने की, तो इसको परमात्मा के चरणों में लगा दे। उस जो नाम गुरुजी ने दिया है उसके ऊपर लगा कर रखा है, अन्यथा ये मन आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्कीम बनावेगा, पता नहीं कहाँ धक्के खान ले जाओगा, चल पिकनिक बना कर आते हैं है? और उन पिकनिक पर जाकर ने ये आधे लोग तो वहाँ हिली स्टेशन पर गए हुए थे, उसकी केदारनाथ के क्षेत्र में, और वहाँ बेचारों को मौत मिली। तो कहने का भाव ये है कि इस मन को भगवान के ज्ञान में, सिमरण में, भक्ति में, प्रतिदिन के नित नियम में लाए रखें, और बाकी समय इसको अपना संसारी काम में, निर्वाह के लिए काम में भी लगाए रखें। तब इस मन से हम जूझेंगे तभी हम सफल होंगे। एक गुरु था, उसने अपने चेले को एक विद्या सिखा दी, भूत विद्या, और उससे ये कहा कि मेरी अब्सेंस में इस विद्या को तू प्रयोग मत करना। तो गुरु जी के कहने से चेला स्वीकार किया कि अच्छा जी। गुरु जी चले गए कहीं किसी काम बस एक दिन बाहर, तो चेला अकेला, उसने सोची आज वो विद्या प्रयोग करके देख लें गुरु जी ने जो शिक्षा दी बताई है वो कितनी सफल है मेरी। उसने वो मंत्र मंत्र बोल दिए, वहाँ सामने एक जंद खड़ा हो गया आके, जंद, और उसने कहा कि बोल भाई, बोलो महाराज जी क्या आज्ञा है, मैं हूँ जंद और मेरे गुण सुन ले पहले तो। मेरे को यदि आप काम बताए रखोगे तो काम करता रहूँगा, अगर यदि मुझे कोई कार्य नहीं बताया तो मैं तेरी गर्दन दबाऊँगा, फिर और काम न कुछ नहीं, तेरे को मारूँगा। अब वो चेला डर गया, वो तो बहुत चिंतित हुआ, उसने एक दो काम बताया कि चलाटा मांग लिया, वो तो दो मिनट में थैल भरवा लिया, डोली आटे की रख दिया, फिर क्या आग बना दे, आग बना दी, पानी भर लिया, पानी भर लिया दो सेकंड में, बोल उन्होंने सोची भाई तो बड़ा कसूता काम, बोला कपड़े धो दे, वो कपड़े भी धो दिए दो मिनट में। अब उसकी गिगी बंदगी के बताऊँ इसने, इतने वो गुरु जी आ गए, दौड़ के उसके चरणों में पड़ गया और कहा गुरु जी मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गुरु जी कहने लगे भाई वह विद्या प्रयोग कर दी तने, कहा जी गलती होगी मेरे पे, गलती कर दी आपने, या नहीं करनी चाहिए थी, और मेरी जान बचाओ, भगवान ही तेनों कह, या तो काम बताना तुझे मारूंगा, काम मैंने सारे करवा लिए इसते। तब गुरु जी बोला इसको ये कहते हैं कि एक बांस लियावा लंबा 30-40 फुट का, उसने कह दिया जा बांस लायक, और लिया एक मिनट में ला दे रख ले बोल। तब गुरु जी ने कहा कि इसको कह दे जमीन में गाड़ दे आधा या दो तीन फुट जमीन में गाड़ दिया, सीधा खड़ा कर दे, खड़ा कर दिया, और कह दिया अब इसको कह दे कि इस पर चढ़ है और उतर है, चढ़ता रहे उतरता रहे, मैंने जरूरत होगी तो तेने बुला लूंगा, इस काम ला गया रहे। तो जंद को काम लगा दिया, उस बांस पर चढ़े जा उतरे जा। तो इस मन को इस परमात्मा के नाम के बांस पर इसको लगाए रखोगे तो ये शांत रहेगा, नहीं तो आपने कहीं ना कहीं ये घसीट ले जाएगा, मर्यादाहीन करा देगा, संसारिक चोचलों में आपको फिर से लगा कर भक्तिहीन कर देगा। परमात्मा ने इसके विषय में बताया कि भक्ति में लगाए रखो तब ये आपको सफलता भी दिलवाएगा, क्योंकि मन की बहुत बड़ी स्पीड है। जब तक ये उल्टे कामों में लग रहा है तो उधर भी वो खूब स्पीड खींच देता है, जैसे कोई शराब पिया करता, खूब डूंडा ठा रखा था शराब पीने का, बदनाम हो रहे थे, अरे वही पुण्यात्मा ज्ञान हुआ, शराब छोड़ दी, अब राम नाम में डूंडा ठा देंगे, स्पीड तो उनकी वही है। अब जैसे कई डाकू का प्रमाण मिला है, पहले डाकू थे,
तहल का मचा रखा था, उसे पूर्व पुलिस स्पीड तो कर रहे थे उस काम ने, तभी तो प्रसिद्ध हो गए। और जिस समय उनको ये तत्व ज्ञान हुआ, भक्ति मिली, तो उन्होंने भक्ति में भी स्पीडा खींच दी और मैं ऋषि को आ गए। तो इसी प्रकार इस मन से ही हमें परमात्मा प्राप्ति होगी, इस मन का सहयोग लेना पड़ेगा, इसको ज्ञान से, भक्ति से, सिमरन से अनुकूल रखना पड़ेगा। तो ये इन्हीं क्रियाओं से जो आपको दी गई है, इनसे आपके अनुकूल रहेगा, फिर ये बकवाद सोचेगा जरूर लेकिन कर नहीं पाएगा, इस ज्ञान से इसको इतना झटका मिलता रहेगा। तो इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, अंतिम सांस तक, जब तक घट में प्राण, किसी भी, जैसे कई कहते हैं मन कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ दिखाओ पहले। अब बच्चे को कहा जाता है कि आप डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ लो, डॉक्टर लग जाओगे, बहुत अच्छी तनख्वाह होगी, ठाट से रहा करोगे, पंखों के नीचे रहोगे। अब वो बच्चा ये कहे, प्रवेश पा लेता है स्टडी में, और फिर ये कहे मुझे डॉक्टर दिखाओ, हॉस्पिटल दिखाओ। हॉस्पिटल अगर दिखा भी दिया, देख भी आया कि डॉक्टर ऐसे होते हैं, ये ऐसा काम करते हैं, तो फिर जब तक आप स्टडी पूरी नहीं करोगे तो उस हॉस्पिटल के देखने का फ़ायदा क्या हुआ। अपनी स्टडी पूरी करो और फिर देखिए हॉस्पिटल में नौकरी मिल जाएगी आपने। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, राम नाम रटते रहो। राम नाम माने भक्ति, जो परमात्मा का मंत्र आपको दिया गया, वो राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कानी। किसी भी सदग्रंथ को, किसी भी महापुरुष को, के उनके ग्रंथ को, उनके विचारों को देखिएगा, प्रत्येक में यही प्रमाण दिया है कि अंतिम सांस तक भक्ति करते ही रहना, जब तुम शरीर छोड़कर जाओगे तभी उपलब्धि होगी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, अर्जुन मेरे सत्र की जो भक्ति है, मैं ब्रह्म हूँ, श्री कृष्ण में बोल रहा था, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदम देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और अंतिम श्वास तक इस ओम नाम का भक्ति करता हुआ शरीर त्याग कर जाएगा तो मुझसे, ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तुम समर किल्बे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष कसक के साथ सेवन करो, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर, मूल कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करो। और भस्मांतम शरीरम, जब शरीर अंत होगा तेरा, उस समय इससे मिलने वाला अमृतम अथितम, इसके पश्चात आपको वो अमृतो प्राप्त होगा। इसी प्रकार सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, और कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो इसी प्रकार सभी सदग्रंथ, जो कांटे के सदग्रंथ हैं, खरे सदग्रंथ हैं, जिसमें ध्यातम मार्ग सही है, उनका एक ही विचार है और एक ही उनमें वर्णन है, और वो आपको प्राप्त है। परमात्मा भी ये कहते हैं कि परमात्मा का जो सच्चा नाम है, जो पूरा कोर्स कंप्लीट आपको दिया है, अंतिम सांस तक भक्ति करते रहना, और फिर यही आशा रखना कि कभी तो भगवान सुनेगा दीन की। आधीनी बहुत जरूरी है इस भक्ति मार्ग के अंदर। रावण ने भक्ति की, एक ऐसी सेक्रीफाइस किया भक्ति में भगवान के लिए, कोई कर नहीं सकता, यहाँ से धड़ काट दिया,
दोनों हाथ और सिर चढ़ा दिए भगवान के, लेकिन जैसा किया वर्क डन मिल गया, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर अधीनी नहीं आई। अब क्या बताते हैं, विभीषण के अंदर अधीनी आई रावण के भाई में, रावण में अधीनी नहीं आई। जिस राज्य को प्राप्त करने के लिए रावण ने कितने दाड़े भुगते, पहले तो घोर तप किए, सिद्धियां प्राप्त की, कुर्बानी की शीश भी दे दिया, और फिर भी वह लंका नहीं रख सका क्योंकि उसके पास पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं थी और उसकी भक्ति के बिना अधीनी जीव में आ नहीं सकती। और विभीषण अधीन हुआ परमात्मा मुनिंदर नाम से आए हुए थे, त्रेता युग में मुनिंदर ऋषि के वशिष्ठ हुए थे, कौन, मंदोदरी और विभीषण, उन दोनों के अंदर अधीनता थी। तो रावण में अधीनी नहीं थी, अधीनी बिना भगवान सुनता नहीं। अधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो भाई बेअदबी सिर काले। फिर क्या बताते हैं, विभीषण का भाग बडेरा, दसा तन आया तिस नेड़ा, दसा तन आया बिस्वे बीसा, जाको लंक दई बक्सीसा, ऐसा दासा तन है भाई, लंक बकस्त्या देर नलाई। हाय हाय, अब देखो हम निमित्त बना देते हैं, राम ने भी भिक्षण को राज दे दिया, राम ने भी भिक्षण को क्यों दिया और को ना दिया, क्योंकि विभीषण परमात्मा की सतभक्ति कर रहा था और वहाँ की जनता को एक अच्छे राजा की आवश्यकता थी जो भगवान से डरने वाला हो। तो परमात्मा की भक्ति करता था सतपुरुष की विभीषण, तो सब माहौल सब कारण करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू सिर दर्जी के वो आप बगल हो जा। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि विभीषण का भाग बडेरा, बड़भागी था वो, जिसकी दास सातन आया तिसनेरा, उसकी अधीनी आई उसके अंदर। और कहते हैं दास सातन आया बिस्वे बीसा, अर्जा को लंक देई बक्सीसा, बक्सीस में मिली उसने परमात्मा की सतभक्ति करने से। ऐसा दास सातन है भाई, लंक बकसते वार ना लाई। अगर यहाँ के संसारिक सुख भी तुम चाहो हो तो भी परमात्मा कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए, हमरा इधर ले ध्यान, लेकिन ये राजपाट आपके जीवन का दुश्मन है, यहाँ तो गरीब बनकर रहना पड़ेगा, इच्छाओं का नाश करके जीना पड़ेगा। एक सारी सृष्टि का संचालक, सबका सबको राजा को भी वही दे रहा है उसकी किस्मत अनुसार, और वो एक झोंपड़ी में बैठ के दुलाहे का काम कर किया करता था, वो पागल थोड़ा ही था। जो परमात्मा जिसको हम एक धान दुलाहा कहा करते, कबीर कवि कहा करते थे, और जिसके निमित्त 18 लाख व्यक्ति आ गए और उन 18 लाख व्यक्तियों को मोहन भोजन खिलाया 3 दिन, और एक एक असर फिर एक दौर दिया उस झोंपड़ी में बैठे ने, वो दुलाहा था, वो तो परमपिता थे, सारी सृष्टि के संचालक थे, लेकिन वो लीला क्यों कर रहे थे कि आपको जीने के प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए कराने के लिए, ऐसा जैसा मैं था, उनकी रजा में राजी रहे न खावे और घनी इच्छा नहीं रखे। और यदि आप भी पड़ेगी इस जीवन में पर की, तो ऐसा जैसे ने 18 लाख बस रात में, और एक वीक में पहले चिंतित हो जाता है पूरा पूरा पूरी फैमिली आसपास के मित्र भी दुखी हो जाता है कि खाने की व्यवस्था करें, और खाने के लिए में कहते पहले बरात ने जला कहीं कम ना रह जा। 18 लाख कलेजा हिल जा प्रधानमंत्री का, 18 लाख आदमियों को एकदम भोजन खिलाना हो जाता है, तो वो क्या एक दुलाहे। तो परमात्मा ने क्यों के भाई भक्ति गणे धन की जरूरत नहीं, आत्मा निर्मल रखो कि आपके चरणों में रहेगी सारी चीज, हर वस्तु आपके। तो
कबीर सब जग निर धनवंत होए, धनवंत जिस पर राम नाम धन होए। जिसके पास ये राम नाम धन है उसके पास सारा ही धन है उसके पास। और टोटे ती करे कई दुख में बहुत कर्ज है, बड़ा दुखी है, टोटा बहुत है। कहते हैं टोटे में भक्ति कर सपूत धारी मस्करे ना जाने की सपूत। वही सपूत है जो ऐसी आस्था रखकर फिर देखना भगवान क्या उससे कोई छुपी है आपकी, आपकी दुख दर्द क्या उससे छुपा है। मैं जिस दिन आप प्रसन्न प्रसन्न करना पड़ेगा उसको और हृदय से ये रखा कि रोएंगे पर भगवान से प्यासे पर चरणों में रखना मेरे दाता। तो फिर देखना ते ऊपर रीत जाएगा रे करोड़ तुम्हारे, जिस दिन भाव हो जाएगा भगवान देखना कुछ भी नहीं सकती इतने सुख देगा भगवान। तो पुण्य आत्माओं आपका सौभाग्य है कि आपको ये स्थान मिला, सच्चा भगवान मिला, सच्चा नाम। अब इसको बना बर्बाद ना होने देना को रख ठेस लगे तो छिन्न भक्ति जा। अब ये समझा है तो सर दर पाओ बोर नहीं रे सादा। बोलो सतगुरु देव की जय। सुने जगत गुरु तत्व रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव ने संत रामपाल जी प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर दीक्षा लेकर अनेकों प्राप्त किए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रितु वर्मा है। से हैं? मैं ग्राम जिला बलौदा बाजार भाटा से हूँ। रितु जी संत राम आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा 19 सितंबर सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? जी संत रामपाल जी महाराज दीक्षा लेने से पहले सभी देवी किया करती थी, व्रत रखती थी, दुर्गा माता का शनिदेव का व्रत रखती थी, बाबा का व्रत रखती थी और सभी तीर्थ स्थलों पर भी जाया करती थी। जैसे कि आपने बताया भक्ति साधनाएं करती थी, तो फिर क्या कारण बना कि आप महाराज की शरण में आई? बहुत परेशान थी भगत जी, मेरी कष्ट बहुत थे, जैसे कि ना कमर में दर्द होना, छाती में दर्द होना, मैं बहुत परेशान रहा करती थी, लेकिन मुझे कहीं से मिला। तो एक बार पति जी ने की राह है मेरे घर, तो उसने इसको पढ़ के देखो लिखा हुआ है, फिर मैंने किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरा ज्ञान समझ में आ गया कि यही पूर्ण कबीर साहब पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के रूप में संत राम आए हुए हैं। ऐसे करके मुझे पूरा ज्ञान मोक्ष मार्ग का पता ऐसे संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? हाँ सर जी, लाभ तो मुझे है, लेकिन मैं मेन मेन जैसे कि सिर में दर्द होता था, ससुराल में ठीक से काम, जहाँ शाम होता था तो सिर में दर्द हो टेबलेट लेकर ही मुझे, और छाती में रहता था कि जैसे दिल में छेद, कमर में दर्द, और आप देख सकते हैं गले में कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने बोला कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मैं बहुत डर गई कि नहीं कराना ऐसे करके, फिर एक जगह कि बेलपान गांव बिलासपुर क्षेत्र में, तो वहां पता चला कि वहां आई लगाते हैं, वहां ठीक करके, फिर पापा मुझे बोलने लगे कि चलो वहीं चलते हैं तू, ऐसे करके फिर ली गई, फिर ठीक तो हो गया सर जी। 1.5-2 साल बाद फिर उत्पन्न हो गया, फिर मैं संत रामपाल जी महाराज
शरण में आई संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने मन ही मन अरदास लगाया कि हे परमात्मा, मुझे कहीं नहीं डॉक्टर के पास जाना है, ना ही ओझा के पास, और ना ही कुछ दवाई, ना ही कुछ गोली खानी। ऐसे करके मन ही मन संत रामपाल जी से प्रार्थना की, ये कैंसर अपने आप ही ठीक हुआ है भग सर जी, मैं एक रुपये का ही ना ही गोली दवाई खाई हूँ। डॉक्टर ने का ऑपरेशन करना करके फिर मैंने जी महाराज जी की शरण में आने के मन ही मन अरदास, नहीं जाना है, आप ही ठीक कर, जब इतने बड़े को ठीक कर सकते हो तो छोटी बात है, मुर्दे को भी आप जिंदा, तो आप पे ये भी ठीक करोगे। चुपचाप घर में बैठ गई, आप ही ठीक हुआ है, ना ही मैं डॉक्टर के पास गई और ना ही कोई दवाई दवाई लगाई हूँ, ना ही कोई। अभी 1.5 महीने बात है पे मेरा सूजा था और यहाँ तो मैं मतलब सोनोग्राफी करने के लिए बोले डॉक्टर, सोनोग्राफी करवाया तो बोले कि ये इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इस जगह का ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसका भी ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई इलाज नहीं है। ऐसे करके फिर मैं हॉस्पिटल से मैं वो संत रामपाल जी प्रार्थना लगाया तो जवाब आया कि मालिक ऐसे करके। फिर 1 हफ्ते बाद जी ये गांठ जो मैं चकित हूँ कि ये गांठ जो ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा इलाज ही नहीं था, अपने आप ही फूट कर सर जी, इसमें भी मैंने अभी खर्चा नहीं किया है, आप देख सकते हैं सर जी कैंसर का मेरा ये का रिपोर्ट है सर जी, आप देख सकते हैं। इसने ऑपरेशन के लिए बोला था, डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन के अलावा इसका कोई दूसरा नहीं है। फिर मैंने राज जी से मतलब नंबर में फ़ोन लगाया तो परमात्मा का आदेश आया कि दया करेंगे, ऐसे करके ये 1 हफ्ते बाद गांठ है जो हाथ में 1 हफ्ते बाद वो ठीक हो गया फूट कर जी। आज मैं सही जिंदगी जी रहा हूं सर जी, का खर्चा भी नहीं है, आप ही ये कैंसर और गांठ ठीक हुआ है सर जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा का कैंसर ठीक हुआ, आपने बताया कि नहीं हुआ और आपका कैंसर ठीक हुआ, आपने रिपोर्ट भी दिखाई, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी उसे ग्रस्त हैं, उनके लिए आप, मैं सभी भक्त ही कहना चाहूंगी कि भी इस बीमारी से किसी को कैंसर है, किसी को और कुछ बीमारियां हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर उसके शरण में दीक्षा लेकर अपना कल्याण। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली? संत रामपाल महाराज जी से ऐसे ले सकते हैं, टीवी पर एक नीचे पी चलती है उस पर नंबर लिखे होते हैं, उस नंबर कॉन्टेक्ट करके नामदान केंद्र संत रामपाल महाराज से लेकर अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद जी, सत साहेब। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वज्ञानी रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जानकारी के लिए संपर्क करें